सोनिका में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्थानी गट्टे की सब्जी। तो इसके लिए हमने लिया हुआ है 1 कप बेसन। इसमें हम डालेंगे ये अजवाइन है 1 स्पून, 1 स्पून जीरा है, 1 स्पून धनिया है। इनको मैंने थोड़ा सा हल्का दरदरा क्रश कर लिया है। ये देखिए इस तरह के घोटने में मैंने इनको अच्छे से क्रश कर लिया है थोड़ा। ये देखिए इस तरह के ये दरदरे हो गए हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी अजवाइन, धनिया सूखा और जीरा। साथ में मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 स्पून मैं इसमें ऐड करूंगी नमक, थोड़ी सी हल्दी 1/4 टीस्पून के करीब मैं इसमें हल्दी डालूंगी। अब मेन इसमें जाएगा एकदम गरम गरम 4 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया हो, एकदम गरम गरम इसको इसमें ऐड करेंगे। गट्टों में हमेशा ये शिकायत आती है कि वो हार्ड बनते हैं, सख्त बनते हैं। इस तरह से आप गरम गरम इसमें ऑयल मिक्स करेंगे तो क्या होगा कि हमारे गट्टे जो हैं सॉफ्ट बनेंगे। साथ में इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून ये दही, इसको भी मिक्स कर लेंगे हम इस तरह से। हमने सभी मसालों को इसमें मिक्स कर लिया है। अब हाथों को साफ करके अब हाथों से इसका अच्छा सा नरम सा रो बनाएंगे इस तरह से। अच्छे से इसमें जिस तरह से आटा गूंथते हैं उस तरह से मल मल के इसको अच्छे से स्मूथ सा हमने इसका डो बनाना है। इसका डो बनाते वक्त देखिए आपको लगेगा कि यह हाथों में चिपक रहा है, थोड़ा थोड़ा सा ऑयल आपने अपने हाथों में इस तरह से लेके फिर इसके ऊपर इस तरह से मलना है और अच्छे से फिर से इसको मलते हुए स्मूथ डो बनाना है। थोड़ा थोड़ा सा हाथों में ऑयल लगा के इसके ऊपर लगाते भी जाना है और इसका स्मूथ डो बनाते भी जाना है। अब हमने अपना चॉपिंग बोर्ड ले लिया है, इसके ऊपर इसको रख के थोड़ा सा हाथों में ऑयल लगा के और इसके ऊपर भी इस तरह से ऑयल लगा के इस तरह से इसको स्मूथ बनाना है। इस तरह से मल मल के स्मूथ बनाना है एकदम। ये देखिए इस तरह से इसको अच्छे से मल मल के चिकना कर लिया है। ये देखिए कितना चिकना सा ये हमारा बन के तैयार हो गया है। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हमारा डो बन के तैयार हो गया। इसको एक साइड रखेंगे हम। इसके ऊपर हम एक बर्तन रख के उसमें पानी डाल देंगे। 1 लीटर हमने पानी डाल देना है, 1.5 लीटर के करीब मैंने इसमें पानी डाल दिया। अब इसको गर्म होने देंगे, अच्छा सा उबाल आने तक हम इसको गर्म होने देंगे। जब तक इसमें उबाल आ रहा है पानी में हम अपने गट्टों को सेक दे ले, सेक देने के लिए हमने इसको एक साथ बराबर इस तरह से बीच से काट लेंगे, साइड में रखेंगे और फिर इसको इस तरह से बराबर एक साथ हमने साइज देना है। नहीं तो क्या होगा कि कुछ गट्टे छोटे बड़े या पतले साइज बनेंगे तो क्या होगा कि जब हम इनको पकाएंगे तो कुछ पक जाएंगे कुछ कच्चे रह जाएंगे। इनको इस बात का ध्यान रखना है कि हमने सभी गट्टों की सेप एक साथ देनी है। हमने दो पार्ट में कर देना है, ज्यादा लंबे नहीं बनाने हैं आपने, नहीं तो क्या होएगा जब हम इनको उबालेंगे तो अच्छे से नहीं आएंगे हमारे बर्तन में। इस तरह से इनको भी दो पार्ट में रख लिया हमने। ये दूसरा वाला रोल जो है इसको भी इस तरह से सेक देते हुए हमने लंबाई
होने के लिए बाहर निकाल देंगे। देखिए गुद्दे हमारे ठंडे हो चुके हैं, अब हम इसको इतनी इतनी शेप में कट कर लेंगे। इतनी इतनी शेप में हमने कट कर लिए, कितने परफेक्ट हमारे गट्टे ये बन के तैयार हुए हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छे बन के तैयार हुए हैं सारे। हमने ये इतनी ये देखिए प्याज हमारा अच्छे से भून चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी अदरक लहसुन और एक हरी मिर्च का जो हमने पेस्ट बना के रखा था इसको ऐड करूंगी। इसको भी मैं थोड़ी देर कुछ सेकंड के लिए भून लूंगी। ये देखिए मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है। अब इसमें ऐड कर दूंगी अपना टमाटर का पेस्ट इस तरह से। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद साथ में मैं ऐड करूंगी इसमें नमक। 1 स्पून मैं इसमें नमक डाल दूंगी, 1/2 स्पून गरम मसाला डालूंगी, 1/2 स्पून हल्दी पाउडर डालूंगी इसमें, 1/2 स्पून मैं इसमें ऐड करूंगी कश्मीरी लाल मिर्च थोड़े कलर के लिए, ये तीखी नहीं होती है। अब इस मसाले को हमने थोड़ा अच्छे से भून लेना है लो टू मीडियम फ्लेम में। मसाले को हमने अच्छे से भून लिया है टमाटर की ग्रेवी को। अब हम इसमें डालेंगे ये अपनी ये दही वाली जो हमने बना के रखा था दही मसाले के साथ मिक्स करके इसको ऐड करेंगे। अब इसको लगातार चलाते हुए हमने पकाना है। इस मसाले को फिर से लगातार चलाते हुए हमें लो टू मीडियम फ्लेम में अच्छे से पकाएंगे। ये देखिए हमने इस मसाले को अच्छे से भून लिया है।
बहुत अच्छी तरह से ये भून चुका है। ये देखिए साइड से इससे तेल निकलना शुरू हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी, ये वही पानी है ग्रेवी बनाने के लिए हम पानी ऐड करेंगे। ये वही पानी है जिसमें हमने गट्टों को उबाला था, वही पानी हम यूज कर रहे हैं इस तरह से। अब एक उबाल आने तक हमने ग्रेवी को पकाना है। ये देखिए 5 मिनट के लिए हमने अपनी ग्रेवी को पका लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपने ये गट्टे, इनको ऐड कर देंगे हम। के बाद 3-4 मिनट हम इसको और पकाएंगे अपनी ग्रेवी को। ये देखिए तैयार है हमारी गट्टे की सब्जी। अब हम गैस बंद कर देंगे, इसको सर्विंग बाउल में निकाल लूंगी मैं। इसमें फाइनल टच देने के लिए मैं 1 बड़ा चम्मच देसी घी अपने तड़का पैन में डालूंगी, जीरा पाउडर ऐड कर। घी हमारा गर्म हो चुका है, इसमें ऐड करूंगी 1/4 टीस्पून जीरा, कुटी हुई सौंफ 1/4 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च। अब इस तड़के को, ये ऑप्शनल है तड़का, आप इस तरह से देना चाहते हैं तड़का तो दे सकते हैं अपनी ग्रेवी में, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। इस तड़के को मैं अपनी ग्रेवी के ऊपर डाल दूंगी। देखिए इस तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आता है इसका। ये देखिए तैयार है हमारी राजस्थानी गट्टे की सब्जी, जो बहुत ही टेस्टी लगती है ये खाने में। आप भी इसे ट्राई करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।